हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। दोनों हमारे बेटे हैं जी। प्रताप यादव सर नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लंबे अंतराल के बाद लालू यादव पटना जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब से उन्हें बेल मिली तब से वो दिल्ली में ही अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पे थे। इस समय बिहार में दो विधानसभा सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं। एक तरफ NDA एकजुट होकर के चुनाव लड़ रही है तो दूसरी तरफ महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और RJD अलग अलग होकर के चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से RJD के ऊपर प्रहार कर रही है, कभी RJD कांग्रेस के ऊपर प्रहार कर रही है, ऐसे में लालू यादव का पटना पहुँचना काफ़ी मायने रखता है। और अब देखना यह होगा कि लालू यादव पटना जा करके किस तरीके से पार्टी परिवार और गठबंधन में सुलह कराते हैं। आपको बता दें कि लालू यादव यहां से जाते समय मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर उन्होंने तंज कसा है, कांग्रेस के प्रभारी के ऊपर उन्होंने तंज कसा है, पहले आप सुनिए। सर आज आप लंबे अंतराल बाद बिहार जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं सर? हाँ, बहुत लंबे अरसे से हम पटना में नहीं थे, हम पटना जा रहे हैं और वहाँ चुनाव भी है, बाई इलेक्शन तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, कोशिश करेंगे वहाँ भी जाने का। अभी तो डॉक्टर साहब से उन्होंने छुट्टी दिया है, 1 महीने का दवा लिख के फिर आने आना है, इसलिए हम जा रहे हैं वहाँ पर। सर वहाँ RJD और कांग्रेस की गठबंधन बिल्कुल टूट गई है। बेकार का गठबंधन क्या होता है, कांग्रेस का गठबंधन और कांग्रेस हारने के लिए खुद दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। कांग्रेस के नेता ये लगा रहे हैं कि RJD का गठबंधन हो गया है पर्दे के पीछे BJP से, ये एलिगेशन लगा है। कौन बोला है ये? भगचरण दास भक्त चौन रही है, उसको कुछ पता है? कांग्रेस का गठबंधन आगे भी नहीं रहेगा, RJD कांग्रेस का गठबंधन आगे भी रहेगा। BJP के लोग बात कर रहे हैं कि आप उपचुनाव में प्रचार नहीं कर सकते हैं, हेल्थ ग्राउंड पे आपको जमानत मिली है। गलत बोलता है वो, कोई उस आधार पर नहीं मिला है। सर, आप सेंटेंस काटने के बाद में। एक अंतिम सवाल ये है सर कि आप पटना जा रहे हैं, जिस तरीके से आपके पार्टी और परिवार में कोई नाराजगी नजर आ रही है सर, क्या लालू यादव इसीलिए पटना जा रहे हैं? क्या कोई नाराजगी? कुछ नाराजगी नहीं। तेज और तेजस्वी में सब कुछ ठीक है, दोनों हमारे बेटे हैं जी। प्रताप यादव सर, आज पाकिस्तान का मैच है, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। आपने देखा कि कांग्रेस के प्रभारी भगचरण दास के ऊपर उन्होंने भगचौंदर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कहा कि अगर कांग्रेस को वो सीटें मिलती तो वहाँ हार जाती। उन्होंने पार्टी के ऊपर भी, परिवार के ऊपर भी कहा कि एकजुट है, सब कुछ एकजुट है। अपने बेटों के ऊपर भी कहा कि दोनों बेटे उनके एक साथ हैं और कहीं पे भी पार्टी और परिवार में नाराजगी नहीं है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटी।